हाय फ्रेंड्स, वेरी गुड मॉर्निंग, नमस्ते, जय हिंद, खमागणी, जयपुर। मैं देवेंद्र सिंह राठौड़ और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल विनायक बिल्डर्स एंड डेवलपर्स। दोस्तों, आज मैं सिरसी रोड पर हूं और सिरसी रोड पे एक बेहतरीन शानदार लिविंग लाइफस्टाइल, एक लग्जरी लाइफस्टाइल का विलाज दिखाने के लिए आया हूँ। इससे पहले आप देख सकते हैं ये इस साइड आप प्लेटिनियम अमाल्टस, ये बिल्डिंग आप देख सकते हैं, शानदार लिविंग लाइफस्टाइल। और वहीं पे इसी के साथ में आप देख सकते हैं यहाँ पर ये एक गेटेड टाउनशिप है जो कि जेडी अप्रूव्ड है स्काई विलाज के नाम से। ये सिरसी रोड के ऊपर है और वहीं पे आप देख सकते हैं यहाँ पर ये 60 फीट रोड है और इसी के साथ में आप देख सकते हैं ये विजिटिंग पार्किंग है, विजिटर्स के लिए पार्किंग अलग से। और यहीं पे इसका अगर गेट देखा जाए तो ये आप देख सकते हैं मेन गेट है और यहाँ पर ये आप देख सकते हैं सिक्योरिटी गार्ड, गार्ड के लिए ये एक केबिन बनाया हुआ है। उसी के साथ में आप देख सकते हैं सामने की तरफ रोड कितना चौड़ा है, उसके सामने रो हाउसेज है और स्ट्रीट लाइट्स है। तो ऐसी बेहतरीन एक टाउनशिप, एक बेहतरीन शानदार ये वीडियो होने जा रहा है। इसके अंदर बेहतरीन एक ऐसी प्रॉपर्टी आपको विजिट कराने के लिए आया हूं मैं। इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, साथ ही बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिए क्योंकि बिना बेल आइकन प्रेस किए आपको नए नोटिफिकेशंस नहीं मिलेंगे। इससे पहले आपको बता दूं, अगर डिस्टेंस वाइज अगर हम बात करें तो मेन जो सिरसी रोड है वहां से अगर इसका यहां डिस्टेंस देखें तो अप्रोक्सीमेटली 500 मीटर मात्र यहां से है। वहीं पे अगर हम बात करें मेन जयपुर रेलवे स्टेशन तो वहां से अप्रोक्सीमेटली 10 किलोमीटर डिस्टेंस पड़ेगा। और अगर हम 200 फीट बाईपास अजमेर दिल्ली एक्सप्रेस हाईवे की बात करें तो हार्डली 3 किलोमीटर डिस्टेंस पड़ेगा। तो आप देख सकते हैं बेहतरीन ये शानदार प्रॉपर्टी है और जेडीए अप्रूव्ड है, गेटेड टाउनशिप है, सीवरेज, पानी, बिजली सब कुछ है। तो अभी मैं आपको इसका एक एलिवेशन दिखाता हूँ, पूरी डिटेल मिलेगी आपको, बने रहे वीडियो के अंत तक। तो अभी आप देख सकते हैं ये है एलिवेशन, रो हाउसेज है और 100 गज और 80 गज के मकान है, इसके अंदर डुप्लेक्स है और फुली फर्निश्ड है। तो अभी मैं अंदर से विजिट कराऊंगा आपको। इससे पहले आप देख सकते हैं रोड, देख सकते हैं 60 फीट रोड, बेहतरीन शानदार। और इसी के साथ में दोनों साइड में रो हाउसेज है। तो इससे पहले आप देख सकते हैं अभी हम जैसे ही एंटर करते हैं ये है मेन गेट और यहाँ पर 24 आवर सिक्योरिटी रहती है। आप देख सकते हैं यहाँ पर ये है सिक्योरिटी और यहाँ पर हमारे गार्ड साहब हैं। जैन सर, सर क्या नाम आपका? अमर सिंह जी है जो कि यहाँ पर गार्ड हैं। और सर यहाँ 24 आवर जो सिक्योरिटी रहती है? हाँ जी। अच्छा, तो कोई भी अगर आता है जाता है तो आप उसके अंदर पहले एंट्री करते हैं, उससे पूछते हैं कौन से बिल्डिंग में जाते हैं, उसकी नाम और मोबाइल वगैरह सब एंट्री होने के बाद उसको कॉल करते हैं, जिसका विला नंबर होता है उसको कॉल करने के बाद उसको अंदर जाने देते हैं हमको। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत थैंक यू सर। तो जैसा कि आपने बताया कि यहाँ पर 24 आवर्स यहाँ सिक्योरिटी होती है और यहाँ पर कोई भी बिना इनकी परमिशन के ना तो कोई अंदर आ सकता है और ना ही कोई जा सकता है। अगर कोई भी आता है तो ये इनका कहना है कि यहाँ पर एंट्री होती है और साथ ही हम लोग यहाँ पर कॉल करके उनसे कंफर्मेशन लेते हैं कि क्या इनको भेज दिया जाए, तब जाते हैं। तो अभी हम चलते हैं आगे और मिलते हैं। ये है रो हाउसेज जो कि आप देख सकते हैं कि सारे रो हाउसेज है जो कि एक साइड से बने हुए हैं और फुली फर्निश्ड है। इसी के साथ में आप देख सकते हैं ये जो पार्क है इसके अंदर यहाँ पर पानी की टंकी भी है और 600 गज का ये पूरा पार्क है जो कि फैसिलिटी में है। और वहीं पे अगर यहाँ की हम बात करें इस साइड तो यहाँ पीछे जो एक और लैंडस्केप पार्क है वहीं पे आप देख सकते हो ये मीनार जो अभी मैं विजिट कराने के लिए आपको आया हूँ, वो है ये मीनार जो कि शानदार है और फुली फर्निश्ड है। 80 वर्ग गज में अगर हम बात करें मेजरमेंट की तो 20x40 मेजरमेंट है इनका। और फेसिंग की बात करें तो आप देख सकते हैं इस फेसिंग मकान है और एलिवेशन आप देख सकते हैं बेहतरीन शानदार एलिवेशन में है, पार्क फेसिंग है।
अगर ये इनकी बात करूँ मैं तो पार्क फेसिंग मकान है और वहीं पे आप देख सकते हैं ये एक थोड़ा बोर्ड है जिसके ऊपर शानदार ब्लॉक से बनाई हुई, वहीं पे हर एक विला के सामने आप देख सकते हैं एक एक टीम लगाया हुआ है। और इसके साथ में अभी मैं जो लेकर चलता हूँ यहाँ पर बिजली पानी सारी सुविधाओं के साथ है, ऑल एमेनिटीज हियर, गेटेड टाउनशिप है, जेडी अप्रूव्ड है, 90% लोनेबल है। इसी के साथ में आप देख सकते हैं स्ट्रीट लाइट्स वगैरह सब हर एक घर के सामने एक एक स्ट्रीट लाइट लगाई हुई है। तो अभी हम चलते हैं और मैं आपको विजिट कराता हूँ इस मकान की, आप देख सकते हैं शानदार बेहतरीन मकान है ये या आप देख सकते हैं ये है जो कि ईस्ट फेसिंग मकान है। और इसी के साथ में आप देख सकते हैं बेहतरीन बहुत ही शानदार चौड़ा रोड है। इसी के साथ में आप देख सकते हैं ये है रैंप और इस रैंप के साथ में आप देख सकते हैं ये है आयरन गेट जो कि मिरर वर्क भी किया हुआ है ऊपर और इसके साथ कलर कॉम्बिनेशन के साथ है। और यहीं पे अगर आप इस साइड की बात करूँ मैं तो ये किचन का जो विंडो है वेंटिलेशन के लिए, उसी के सामने ऊपर की तरफ देखें तो ये बालकनी है और इसके साथ में सामने की तरफ ये बालकनी स्पेस दिया हुआ है। और इसी के साथ में यहाँ अगर हम बातचीत करें तो आप देख सकते हैं ये है पार्किंग 20 के फ्रंट के अंदर ये, और यहाँ पर मीटर बॉक्स लगा करके आपको दिया जाएगा। यहाँ देखें तो पानी का टैंकर है जो कि 5000 लीटर का है और यहाँ आपको मिलेगा मोटर का प्रोविजन लगा के दिया जाएगा। ऊपर देख सकते हैं आप एसी फिटिंग ऑलरेडी करके दिया जाएगा, वहीं पे फुली फर्निश्ड है। आप देख सकते हैं यहाँ पर डबल पल्ले के गेट लगाए हुए हैं, जाली का गेट ऑलरेडी पहले से दिया हुआ है। और दो स्टेयर चढ़ करके आप देख सकते हैं ये एक और गेट जो कि आपको लगा करके यहाँ दिया गया है। और इसी के साथ में जैसे ही आप एंटर करते हैं तो आप देख सकते हैं बेहतरीन शानदार बहुत ही शानदार एक हॉल मिलता है आपको। आप देख सकते हैं चौकोर साइज के अंदर बेहतरीन शानदार हॉल है और वहीं पे आप देख सकते हैं एक हॉल अगर यहाँ बात करें हम तो रॉयल फ्लेम में डिजाइन है। और इसी के साथ में ऐसी जगह ऊपर की तरफ ध्यान दें तो ऊपर देख सकते हैं आप ये है फॉल्स में पूरे पंखे वगैरह लाइट्स लाइट्स वगैरह सब लगा कर दी है, ट्यूबलाइट्स वगैरह लगी हुई है, प्रीमियम कलर है आप देख सकते हैं वॉल को प्रीमियम कलर है। इसी के साथ में आप देख सकते हैं फर्नीचर का ऑलरेडी काम चलता है, सारा फर्नीचर बन रहा है। और इसी के साथ में आप देख सकते हैं यहाँ पर भी आप देख सकते हैं ये है मशीन और वॉश मशीन आपको लगा कर दिया जाएगा, यूनिट लगा रहा है। और यहाँ आप देख सकते हैं टीवी शोकेस, ये टीवी शोकेस एक बेहतरीन शानदार लुकिंग वाइज। और इसी के साथ में आप देख सकते हैं ये यहाँ सामान एक्स्ट्रा सामान वगैरह रखने के लिए है और ये ऑलरेडी बना करके आपको खुद करके दिया जाएगा फर्नीचर। इसी के साथ में अगर हम बात करें यहाँ के मेजरमेंट हॉल के मेजरमेंट की तो 12x14 साइज का चौकोर हॉल है, बेहतरीन शानदार। इसी के साथ में आप देख सकते हैं यहाँ स्टेयर अंदर से जीना दिया हुआ है और जीने के नीचे का स्टेयर भी यूटिलाइज किया गया है। और इसी के साथ में ये जो विला है ये है इस फेसिंग वास्तु के अकॉर्डिंग पूरा मकान बना हुआ है और ग्राउंड फ्लोर के अंदर 1 BHK है पूरा। इसके साथ में ऊपर 2 बेडरूम और है तो टोटल 3 BHK इंडिपेंडेंट हाउस है ये, जेडी अप्रूव्ड है और 80 वर्ग गज का है। इसके साथ में आप देख सकते हैं किचन बेहतरीन शानदार किचन है, आप देख सकते हैं ये इसका लोकेशन देख सकते हैं और ओपन किचन जिस तरह से दिया हुआ है बेहतरीन यूनिक लुक दिया हुआ है, आप देख सकते हैं क्या डिजाइन है। इसके साथ में ये मेन किया आप देख सकते हैं यहाँ पर फ्रिज के लिए स्पेस ऑलरेडी यहाँ पर आप देख सकते हैं, जैसे ये स्पेस दिया हुआ है इसे यूटिलाइज कर सकते हो। यहाँ सिंक लगा करके आपको दिया गया है, मिक्सर वगैरह लगा रहे हैं, RO&E डीजल के पॉइंट्स हैं। इसके अलावा सामने की तरफ आप देख सकते हो यहाँ चिमनी के लिए स्पेस दिया हुआ है ऑलरेडी और एग्जस्ट के लिए भी दोनों ऑप्शन दिए हुए हैं। यहाँ देख सकते हैं पावर प्लग दिया हुआ है, ये देख सकते हैं आप ग्रेनाइट की डबल मोल्डिंग के साथ में प्लेटफॉर्म ब्लैक टॉप ग्रेनाइट का मार्बल है। इसके साथ में आप देख सकते हैं यहाँ पर ये बॉक्सेस लगा के दिए गए हैं और ईस्ट फेसिंग के अंदर शानदार ये किचन बना के दिए, आप देख सकते हो फर्नीचर आपको लगा करके दिया गया है एक शानदार ये। इसी के साथ में आप देख सकते हैं ये स्पेस और है जो कि आपका कितना ही बड़ा फ्रिज क्यों ना हो यहाँ कवर करके रख सकते हैं। तो इस तरह से ये किचन मिलता है आपको। अगर इसके किचन के मेजरमेंट की बात करें तो 10x8 की बेहतरीन शानदार ये किचन है जो काफी स्पेसियस मिलती है किचन। इसके साथ में अभी चलते हैं हम मास्टर बेडरूम की तरफ। तो ये आप देख सकते हैं ये कॉमन बाथरूम है, ये आप देख सकते हैं कॉमन बाथरूम है जो कि आप देख सकते हैं काफी स्पेसियस है।
अब आप देख सकते हैं अभी हम मास्टर बेडरूम में हैं और मास्टर बेडरूम अगर हम बात करें आप देख सकते हैं मास्टर बेडरूम है और अगर मेजरमेंट की बात करें तो 12x12 साइज का ये शानदार है। इसी के साथ में आप देख सकते हैं ये फर्नीचर का काम अभी चल रहा है और ये पूरा कवर करके आपको विद ये आप देख सकते हैं ये आपको बॉक्स टाइप आपको मिलेगा यहाँ पर बेड ये देख सकते हैं और इसके साथ में वुडन वर्क पूरा कंप्लीट करके दिया जाएगा। यहाँ देख सकते हैं आपको ये ड्रेसिंग का काम करेगा आपका और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये पूरी कवर्ड करके आपको वार्डरोब शानदार वार्डरोब बना करके दी जाएगी। पूरा वुडन वर्क आप देख सकते हैं काम चलता है अभी। इसके साथ में ऊपर भी आपका सामान रख सके इसके लिए पूरा इंतजाम किया गया है। वहीं पे आप देख सकते हैं ये है बाथरूम जो कि अटैच्ड बाथरूम आपको दिया गया है। इसी के साथ में अटैच्ड गैलरी है आप देख सकते हैं ये है गैलरी जो कि वेंटिलेशन फुल है यहाँ पे और ऊपर देख सकते हो आप कवर किया हुआ है ताकि बारिश वगैरह ना आए और इसी के साथ में फुल रोशनी है। दोस्तों ये जो मकान है ये 80 वर्गज में है गेटेड टाउनशिप है शानदार सिरसी रोड पे एक बेहतरीन गेटेड टाउनशिप के अंदर ये मकान है और 80 वर्गज में है जेडी अप्रूव्ड है प्राइम लोकेशन पे है 90% लोनेबल है। अगर इसकी कीमत की बात करें तो मात्र 60 लाख रुपए में फुली फर्निश्ड मकान है ये। तो अभी मैं लेकर चलता हूँ ये अभी आपने देखा नीचे का अभी ऊपर लेकर चलता हूँ और वहां से आपको दिखाता हूँ मैं ये जो दो नीचे आपने देखा एक बेडरूम एक किचन हॉल और बाथरूम इसी के साथ ऊपर अभी है दो बेडरूम और हॉल है। तो अभी मैं लेकर चलता हूँ आप देख सकते हैं ये है ग्रेनाइट का जगह स्टील की रेली और यहाँ पर जैसे ही हम ये ऊपर पहुंचे थे एक बिग स्पेसियस हॉल दोबारा से वही हॉल आता है तो आपने नीचे देखा काफी स्पेसियस है। आप यहाँ पर सोफा या दीवान लगा सकते हैं और ऊपर देखते हैं सामने एक वॉल के ऊपर देखते हैं तो ये आप है रॉयल फ्लेम डिजाइन लाइट्स वगैरह दी हुई है ऊपर फॉल सीलिंग दी हुई है फॉल सीलिंग के अंदर फॉग लाइट्स है और एक फैन लगा करके आपको दिया गया है ऑलरेडी। और यहाँ पर देखें तो दो बेडरूम है जिसके अंदर एक रियर साइड है और एक फ्रंट साइड है। तो सबसे पहले हम चलते हैं रियर साइड बेडरूम की तरफ। आप देख सकते हैं जैसे हमने एंटर किया सेम वही 12x12 साइज का ये रूम है एक शानदार जिसके अंदर आप देख सकते हैं 2x2 की टाइल्स है ब्यूटीफाइड टाइल्स है ग्लोइंग टाइल्स है और इसी के साथ में आप देख सकते हैं ये एक बेडरूम शानदार आप देख सकते हैं बेहतरीन शानदार एक ऐसा आपको बेड मिलता है और लाइटिंग वगैरह भी आप देख सकते हैं बेड जो कि बॉक्स टाइप है और आप देख सकते हैं ये ऊपर तक डिजाइन दिए बेहतरीन शानदार। वहीं पे आप देख सकते हैं इस साइड की अगर बात करें हम तो यहाँ पर आपको पूरी कवर करके जैसे नीचे थी वैसे ही साइड पूरी मिलती है आपको वार्डरोब जो कि आप देख सकते हैं पूरी वार्डरोब है और यहाँ ये बॉक्सेस दिए हैं जो कि आप अपना सामान वगैरह रख सकते हैं। इसी के साथ में ऊपर और आपको कवर बना करके दिया गया है पूरा काम वुडन के अंदर किया गया है और इसी के साथ में आप देख सकते हैं यहाँ पर ये देख सकते हैं आप एक बाथरूम है जो कि अटैच बाथरूम है वेस्टर्न टॉयलेट है और इसी के साथ में पूरे मकान के अंदर रोशनी रहे इसके लिए ये वेंटिलेशन के लिए ढक दिया हुआ है इसके अंदर ये विंडो दी हुई है ताकि फुल रोशनी है। और ये था एक रियर साइड बेडरूम। अभी मैं लेकर चलता हूँ फ्रंट साइड में। इससे पहले आप देख सकते हैं वापस ये हॉल है और जो ये बाथरूम था इसका एंट्री यहाँ से भी आप जा सकते हो हॉल से भी। और इसी के साथ में अभी हम चलते हैं फ्रंट साइड बेडरूम की तरफ और फ्रंट साइड बेडरूम की अगर बात करें तो 10x14 साइज का ये आप देख सकते हैं रूम बेहतरीन शानदार एक रूम जिसके अंदर टाइल्स की बात करें तो टाइल्स आपको वुडन के अंदर कलर में दी जाती है और वहीं पे आप देख सकते हैं ये बॉक्स टाइप का बेड है और आप सामने डिजाइन भी देख सकते हैं पूरी वॉल पे और इसी के साथ में ऊपर देखें तो फॉल सीलिंग दी हुई है और इस वॉल पे आप देख सकते हैं यहाँ पर एसी फिटिंग है और ये आप देख सकते हैं विंडो जिसके अंदर आपको कूलर पॉइंट लगा करके दिया गया है पावर पॉइंट प्लग है। इसी के साथ में आप देख सकते हैं यहाँ पर ये जो बेड है ये हाइड्रोलिक सिस्टम है आप देख सकते हैं ये बेहतरीन शानदार एक बच्चा भी थोड़े से दबाव से इसे ऊपर कर सकता है। इसी के साथ में आप देख सकते हैं इस तरह से एक बेहतरीन मकान मिलता है आपको। इसी के साथ में आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको मिलती है ड्रेसिंग बेहतरीन शानदार ड्रेसिंग आप देख सकते हैं यहाँ पर यह है
ड्रेसिंग जो कि मिरर वगैरह लगा करके दिया गया है, वहीं पे आप अपना कपड़े वगैरह क्लॉथ वगैरह यहाँ पर रख सकते हैं। ये मिलती है आपको वार्डरोब, ऊपर भी आपको पूरा सामान रखने के लिए जगह है, यहाँ आप देख सकते हैं। और इसी के साथ में ये मिरर है और साथ में बाथरूम, कि आप बाथरूम से नहाओ हो और यही तैयार रहो। आप देख सकते हैं यहाँ पर ये वॉश बेसिन है और ये है सिंगल पीस। इसी के साथ में ये जो फ्रंट साइड बेडरूम है ये अटैच टू बैल्कनी है, तो आप देख सकते हैं ये है बैल्कनी जो कि 3x20 की है। और यहाँ आप देख सकते हैं काफ़ी स्पेस है, और सामने की तरफ आप देखें तो देख सकते हैं काफ़ी बढ़िया शानदार लोकेशन में 600 गज का ये पार्क है, जिसमें झूले वगैरह सब कुछ लगा करके आपको दिया गया है। तो ऐसी और भी प्रॉपर्टी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और अगर आपको ये प्रॉपर्टी पसंद है तो दिए हुए नंबर पे कॉल कर सकते हैं। और ऐसे और भी प्रॉपर्टी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, गुड बाय, टेक केयर।